हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और आप देख रहे हैं लर्न कोड विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल। और स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका। आज हम लोग प्रोजेक्ट ओवरव्यू के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग लेके आ गए हैं जावा एडवांस पे प्रोजेक्ट और हम लोग बनाएंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड एक कंप्लीट प्रोजेक्ट, जिसमें हम लोग डिफरेंट तरीके की चीजें यूज करेंगे और आप लोग भी सीखोगे कि कैसे कैसे हम लोग को प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। और हम लोग बेस्ट टेक्निक्स यूज करेंगे, जो सबसे बेहतरीन अच्छी टेक्निक्स हैं प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, वो टेक्निक्स यूज करेंगे, जिससे कि आप भी चीजों को सीख सको और अपने लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सको कोड में। क्योंकि होता क्या है बहुत लोग के साथ कि उनके पास कोई आइडिया होता है, वो सोच के रखते हैं कि भाई मेरा एक ऐसा बिजनेस होगा, मैं ऐसा बिजनेस खड़ा कर सकता हूं, बट उन लोग को प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं आता कि प्रोजेक्ट को बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो हम लोग यही बात करेंगे और हम लोग बनाएंगे टेक ब्लॉग, टेक्निकल ब्लॉग, जिसपे हम लोग चाहते हैं कि कोई भी बंदा है और वो अपनी नॉलेज को शेयर करे। ठीक है, अब वो नॉलेज अलग अलग तरीके की शेयर कर सकता है। जैसे अगर वो प्रो है, बेस्ट है इन पाइथन प्रोग्रामिंग में, तो वो पाइथन से रिलेटेड नॉलेज को शेयर कर सकता है। जावा में बेस्ट है तो जावा से रिलेटेड नॉलेज को शेयर कर सकता है, क्योंकि लोग सीखने वाले तो बहुत हैं, सिखाने वाले कम है, अपने नॉलेज को शेयर करने वाले कम लोग कम है। अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे, तो मैं अभी देख रहा था कि जावा एडवांस प्रोजेक्ट्स तो बहुत बेसिक प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि हम लोग एक कंप्लीट फुल फ्लेश प्रोजेक्ट बनाएंगे और हम लोग यहाँ पे देख सकेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन है, तो ये अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है, बस मैंने ऐसा ही डिजाइन किया था। पहला पेज है और लॉगिन पेज है यहाँ पे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चले हम लोग प्रोजेक्ट में बात करते हैं, प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ चीजें बात करते हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज करने वाले हैं और कौन कौन सी चीजें आपको आनी चाहिए जावा से रिलेटेड, तब आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट में कौन कौन से टूल्स यूज़ करूँगा, दैट मीन सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा, ये मैं बात कर लेता हूँ। और उसके बाद स्किल्स, आपको कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए तब आप इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ अपना नोटपैड, जिसमें मैं आप लोग को बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं। तो सबसे पहले मैं कोड को लिखने के लिए मैं यूज़ करूँगा नेटबीन्स IDE। ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा ट्यूटोरियल नेटबीन्स आईडी पे बना दिया है, सब कुछ, इवन 37 से 38 वीडियोस बन चुके हैं आपके नेटबीन्स पे। लेकिन मैंने लास्ट वाली वीडियोस में बताया था कि अगर आपको इक्लिप्स पे काम करना है तो इक्लिप्स पे कैसे काम कर सकते हो, उसको कॉन्फिगर कैसे कर सकते हो, और मैंने एक छोटा सा बना के दिखाया भी था प्रोजेक्ट की आप सर्वलेट JSP कैसे यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको इक्लिप्स पे काम करना है, आप इंटरेस्टेड हो, तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए, और वो 38th वीडियोस है, 38 वीडियो, या मैं क्या करूँगा उसका जो लिंक होगा उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके उसको देख लीजिएगा और आप परफेक्टली काम कर पाओगे। किसमें काम कर पाओगे? इक्लिप्स में। ठीक है, तो मैं नेटबीन्स यूज़ करूँगा, बट आप लोग के पास ऑप्शन है, आप इक्लिप्स यूज़ कर सकते हो। मैं लिख देता हूँ, इक्लिप्स यूज़ कर सकते हो। इक्लिप्स आईडी बहुत ही बेस्ट आईडी है और बहुत सारे कंपनीज में भी ये यूज़ होती है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इंटेलिजे भी यूज़ कर सकते हो, ये भी जेट ब्रेंस की आईडी है, बहुत ही बेस्ट आईडी है, आप यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यूज़ कर सकते हो, बट मैं कहूँगा इक्लिप्स और नेटबीन्स में से एक आप यूज़ करो। नेक्स्ट इज़ मैं डेटा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि जब आप काम करोगे आपके पास बहुत सारा डेटा आएगा, यूज़र की डिटेल आएंगी, ब्लॉग्स जो वो पोस्ट करेगा वो आएगा, उसके कमेंट्स आएंगे, लाइक्स आएंगे, बहुत सारे डेटा आएगा। तो डेटा को स्टोर करने के लिए आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा, डेटाबेस यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं डेटाबेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ MySQL, और मेरा जो वर्जन है 5.7 है, और इक्लिप्स का मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ नेटबीन्स का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ 11। ठीक है, और मैं MySQL यूज़ करूँगा 5.7, बट MySQL यूज़ करूँगा 5.7, तो मैं MySQL यूज़ कर रहा हूँ, बट इस पे इंट्रैक्शन करने के लिए आपको मिलता है कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो अब होगा क्या कि एक ये इंटरफेस है, जैसे अब मेरे सिस्टम में MySQL इंस्टॉल है, तो MySQL को एक्सेस कैसे करूँगा? तो सिंपली आपको यहाँ पे जाके MySQL टाइप करना होता है। ये देखिए कमांड लाइन आर्गुमेंट, ये बेसिकली हमें इनेबल करता है कि आप कमांड्स को टाइप करके डेटा को सेव करो, क्रिएट करो टेबल से डेटा निकालो, अपडेट करो, मैनिपुलेट करो, सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ कमांड। बट जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं फ्रेंड्स, तो सीखने के लिए तो ठीक है, चलो हम लोग कमांड से सारा काम कर लेंगे, क्वेरीज भी कमांड्स चला देंगे, बट जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो बहुत सारी टेबल बनानी होंगी, बहुत सारी
सारी चीजें करनी होंगी, तो आप क्या करो, कमांड लाइन क्लाइंट को रिप्लेस कर दो, क्लाइंट कमांड लाइन क्लाइंट को मत यूज करो, और उसके लिए आप डेटाबेस GUI क्लाइंट यूज कर सकते हो काम करने के लिए, ठीक है। तो होता वही है, GUI क्लाइंट जो होगा वो भी आपके डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा, तो जो काम आप डेटाबेस GUI क्लाइंट से कर रहे हो वही काम इससे भी हो जाएगा, और वही एग्जैक्ट सेम काम इससे हो जाएगा। बस इसमें आपका फायदा रहेगा कि आपको बटन वगैरह दिखेगी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिखेगा, उससे काम कर पाओगे। अभी मैं बस बता देता हूँ, बस एक सेकेंड। तो मैं क्या करूँगा, डेटाबेस क्लाइंट में मैं यूज करूँगा SQL योग, आप कोई भी यूज कर सकते हो SQL योग। मैं आपको आइकन दिखा देता हूँ SQL योग का, तो ये है SQL योग, तो हम इसी SQL योग को यूज़ करेंगे। आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, इसका फ्री वर्जन, ये पेड है बट इसका फ्री वर्जन अगर आप इंस्टॉल कर लोगे तब भी काम हो जाएगा, बाकी चीज़ तो आप समझते हो, उसको सर्च करोगे तो मिल भी जाएगा, ये आपकी मर्जी है। तो मैं क्या करूँगा, डेटाबेस के साथ इंट्रैक्शन करने के लिए SQL योग यूज़ करूँगा, टेबल्स वोबल्स क्रिएट करने के लिए, नेटबीन्स जावा का कोड राइट करने के लिए लिखूंगा, दैट्स इट। इतनी चीज़ें आपको चाहिए काम करने के लिए, उसके बाद आपको बूटस्ट्रैप वगैरह यूज़ करनी होगी तो इंटरनल चीज़ें हैं, अभी मैं बात करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ नेटबीन्स हो गया, MySQL हो गया और SQL योग हो गया, ये तीन सॉफ्टवेयर मस्ट हैं। आप ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपका प्रोजेक्ट करना है तो आप नेट से ढूंढिए, इंस्टॉल करिए अपने सिस्टम में, उसको कॉन्फिगर करिए, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद भी जो जो सॉफ्टवेयर्स मैं यूज़ करता रहूँगा मैं आपको कोर्स के दौरान बताता रहूँगा, आप उसी हिसाब से इंस्टॉल करते जाऊँगे। ईजी होता है विंडोज़ पे काम करना, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि मैं कौन कौन सी स्किल्स आपको आनी चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स आपको आनी चाहिए ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो सबसे पहले जावा कोर मस्ट है, आपको आना ही आना चाहिए। अगर आपको जावा कोर नहीं आया तो आप चीज़ें नहीं कर पाओगे, और जावा कोर में भी सब कुछ नहीं है, आपको नेटवर्किंग नहीं सीखने की ज़रूरत है, या फिर आपको मल्टी थ्रेडिंग अभी फिलहाल नहीं सीखने की ज़रूरत है, मल्टी थ्रेडिंग नहीं भी आएगी तब भी आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हो। बट जावा कोर में आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सारे चीज़ आपको पता होनी चाहिए तब आप काम कर पाओगे, ठीक है। तो ऊप्स के मोस्टली कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, अगर फिर भी नहीं पता तो आप हमारे चैनल पे ऊप्स की भी वीडियोज़ है, आप वहाँ पे जाके रिवाइज कर लीजिए, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कोर्स जावा ट्यूटोरियल करके। उसके बाद आपको डेटाबेस से इंट्रैक्ट करने के लिए, दैट मीन्स आपका प्रोग्राम जब डेटाबेस से इंट्रैक्ट करेगा उस समय आप यूज़ करोगे JDBC, ठीक है। तो आपको दूसरी चीज़ JDBC में कैसे कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ JDBC, डेटा इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, तो आपको बेसिकली कर्ड ऑपरेशन आना चाहिए, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, सी फॉर क्रिएट करना आना चाहिए चीज़ों को, रीड करना आना चाहिए, अपडेट करना आना चाहिए एंड डिलीट करना आना चाहिए, ये सारे ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ JDBC आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करिए, JDBC के मेरी पूरी सीरीज़ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाके फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए। बट हाँ, आप वहाँ पे मैंने मुश्किल से ज़्यादा नहीं 13-14 वीडियोज़ बनाए होंगे JDBC में, आप ये काम कर पाओगे, प्रोजेक्ट रेडी हो जाए आप कर पाओगे, आप फिर प्रोजेक्ट पे काम कर पाओगे। नेक्स्ट चीज़, दूसरी चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि आपको सर्वलेट एंड JSP की नॉलेज होनी चाहिए, इवन अच्छी नॉलेज, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, सर्वर को कैसे बनाते हैं, JSP को कैसे बनाते हैं, टॉप 5 हमारे टैग्स क्या थे, स्क्रिप्टेड टैग्स क्या किस लिए यूज़ होता है, एक्सप्रेशन टैग किस लिए यूज़ होता है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल में आप सारी चीज़ें करने के बाद अगर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करोगे ना, तो इवन बहुत सारी चीज़ें आप कभी प्रोजेक्ट बना ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा आपने सीख लिया है 70-80%, उसके बाद आप प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दो, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप चीज़ें सीखते भी जाओगे, ठीक है। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है, सर्वलेट JSP आप सीख लीजिएगा, क्लाइंट सर्वर सीख लीजिएगा। उसके बाद फ्रंट एंड के लिए आपको HTML की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, CSS की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं बूटस्ट्रैप। तो अगर आपने ये तीनों चीज़ें पढ़ा है तो बेस्ट है, अदरवाइज HTML, CSS और बूटस्ट्रैप ऐसी चीज़ें हैं कि कहीं से सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डाइव कर सकते हो HTML, CSS, बूटस्ट्रैप में और डायरेक्ट कोडिंग कर सकते हो। आप मेरे साथ बने रहोगे तो आप चीज़ें सीख जाओगे, आप प्रोजेक्ट की सीरीज़ आप फॉलो करिए, प्रोजेक्ट आप कंप्लीटली सीख जाओगे बनाना, ये मेरी गारंटी है। अगर थोड़ा थोड़ा भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो प्रोजेक्ट बनाना आपको क्लियर हो जाएगा।
ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रोजेक्ट का सेटअप करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसमें मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझाऊंगा, क्योंकि हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करने वाले हैं। मतलब आपको सर्वलेट्स कहाँ पे रखना है, एचटीएमएल पेजेस कहाँ पे रखना है, एरर्स को कैसे हैंडल करना है, तो पूरा प्रोजेक्ट का सेटअप मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप प्रोजेक्ट को सेटअप करोगे। उसके बाद स्टार्ट हम लोग वीडियो उसके बाद इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट हम लोग उसके बाद करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेक श्योर आप इस सीरीज़ को शेयर करिए, जिससे कि लोग भी प्रोजेक्ट को बना सकें, क्योंकि पढ़ सबको ही लेता है, प्रोजेक्ट सब लोग नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरत होती है, थोड़ा सा दिमाग की भी ज़रूरत होती है कि आप चीज़ों को रिसोर्सेज को मैनेज कैसे करते हो। तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।